व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे हैं मेरे को नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आई होप कि यार सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, आज की वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। तो यार, वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जी हाँ यार, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यार, आपने अक्सर प्रो प्लेयर्स को देखा होगा कि यार देखते देखते वो पूरा स्क्वाड का सफाया कर देते हैं। तो जी हाँ यार, उनके पास होते हैं स्किल्स और स्टेमिना होता है कि किस तरह एक स्क्वाड को हैंडल करते हैं, और उनकी जो मूवमेंट स्पीड होती है भाई क्या ही दासू वाली होती है। तो इसके लिए यार, लेट्स सपोज आपके सामने अगर कोई स्क्वाड आ जाता है तो आप क्या करोगे यार? मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको मार देंगे। क्यों? आपके पास भाई स्टेमिना नहीं है कि पूरे स्क्वाड को मैनेज किस तरह करते हैं, और ना ही आपके पास मूवमेंट स्पीड है। तो आज यार इंशाल्लाह आपको थोड़े से टिप्स दूंगा गरीबों वाले। तो आई होप यार इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो फर्क लाजमी पड़ेगा आपकी मूवमेंट स्पीड में। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छी लगे तो यार लाइक लाजमी कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और चैनल पर नहीं हो तो यार वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करो, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यार, पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यार, जो स्टेप नंबर वन है उसमें आ जाती हैं स्किल स्लॉट्स। तो बेसिकली यार, काफ़ी बंदों को पता ही नहीं होता स्किल स्लॉट्स होती क्या हैं। तो अब ये ना बोलना यार हमें पता है, आपको पता हो सकता है भाई, लेकिन हर बंदे को पता नहीं होता। तो सबसे पहले यार अपनी स्किल स्लॉट्स चेक करनी है कि कौन सी स्किल्स आप लगाकर खेल रहे हो। तो जो मैं आपको यार रिकमेंड करूँगा उसमें पहले नंबर पर आ जाती है कैली। तो कैली यार बेसिकली आप लोग जानते हो कि ये फास्ट गेम प्ले के लिए होती है। जब भी मतलब आपने रश करना होता है तो आप कैली को ऑब्वियसली यूज़ करोगे। तो इसका यार फायदा ये होता है कि लेट्स सपोज आपके सामने को बंदा है तो आप उसको डैमेज देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मूवमेंट स्पीड नहीं है, तेज़ नहीं आपका करेक्टर भागेगा, तो जब तक आपने उसके पास पहुंचना है वो मेडी लगा चुका होगा। तो उसके बाद आपको पता ही है क्या आने वाला है। तो फर्स्ट नंबर पर यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार आप कैली करेक्टर लाजमी से यूज़ किया करें। तो यार दूसरी स्किल स्लॉट में आपने जिस करेक्टर की स्किल यूज़ करनी वो है जोसेफ। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यार जिस तरह कैली फास्ट मूवमेंट के लिए यूज़ होती है, इसी तरह जोसेफ भी फास्ट मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। तो लेट्स सपोज कोई बंदा आपको डैमेज देता है, तो जोसेफ करेक्टर ये करता है कि आपको जब डैमेज पड़ रहा होता है ना तो ये फास्ट रन करता है। तो इसका ये भी बेनिफिट होता है, अगर स्क्वाड आप पे रश करता है या आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे होते हैं तो बंदे आपको डैमेज देते हैं, तो आपने कवर लेना हो तो आप जोसेफ की मदद से यार जब आपको पीछे से डैमेज पड़ेगा गंदे वाला तो आप कवर ले सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यह भी करैक्टर लाजमी यूज़ किया करें। तो यार तीसरी स्लॉट में आपने जिस करैक्टर की स्किल यूज़ करनी है वो है अलोक। तो ऑलरेडी यार काफ़ी भाई ये करैक्टर यूज़ कर रहे होंगे, मैक्सिमम बंदे यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यार इसकी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसकी जो एबिलिटी है यार वो ये होती है कि आप लोग जब डैमेज पड़ता है तो उसके बाद अगर आप इसकी एबिलिटी को ऑन करते हैं तो ये आपको हेल्थ भी देता है और साथ में फास्ट मूवमेंट भी देता है। तो काफ़ी भाई इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। तो यार चौथे नंबर पर जो करैक्टर स्किल होती है उसमें आप लोगों ने ऑप्शनल है, वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप किसी भी करैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो करैक्टर रिकमेंड करूँगा, एक मोको और दूसरा प्लोमा। आप कोई भी करैक्टर यूज़ कर सकती हैं लेकिन मैं आपको मोको या प्लोमा ही रिकमेंड करूँगा। तो ये चार स्किल स्लॉट्स आपने लेकर जानी है, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन लाजमी देखने को मिलेगी। तो यार स्टेप नंबर वन में हमने बात की है स्किल स्लॉट्स की। तो ऑलरेडी मैं आपको करैक्टर्स बता चुका हूँ कि कौन से करैक्टर आपने यूज़ करते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं यार अपने स्टेप नंबर टू की तरफ, जिसमें आ जाती है सेंस। तो यार बेसिकली सेंसिटिविटी बोलते हैं जो आपकी स्क्रीन की मूवमेंट होती है ना ड्यूरिंग गेम प्ले, जब अपना थंब जो है राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हैं तो जो आपकी स्क्रीन मूव करती है उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो यार सेंसिटिविटी ऊपर जो राइट कॉर्नर होता है सेटिंग का ऑप्शन, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो यार आपको सेंसिटिविटी का ऑप्शन नज़र आएगा जनरल जहाँ लिखा होता है। तो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। तो यार वहाँ आपने, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 100 रख के खेलना है, ठीक है। अगर आप इससे कम रख के खेलते हैं तो अचानक से 100 करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन यार यकीन मानो बहुत ही दासू वाला गेम प्ले होगा आपका जब आप इसको 100 पे रख के खेलेंगे। तो इसकी यार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज़ की आपको पता है प्रैक्टिस करनी है तो तभी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आपने 100 पे रखना है, फिर भी यार कुछ मोबाइल्स होते हैं जो उनका ना सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जितनी भी रखें मैक्सिमम रखें, ठीक है, जितनी आप मतलब आसानी से खेल सके। तो 100 रख के एक दफ़ा खेलिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आपको नज़र आएगी। तो उसके साथ साथ आ जाते हैं यार पिकिंग मूवमेंट। जब आप मतलब लूट कर रहे होते हैं ना तो जो नूबड़े होते हैं ना यार एक जगह खड़े होकर लूट करते हैं, मतलब अपना बैग ओपन करके एक एक चीज़ पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह भाई लोग आपने नहीं करना, ठीक है। आपने लेफ्ट थंब से
मूवमेंट करते रहना है और राइट से जो चीज़ उठानी होती है उसको उठाना है। आपने भाई एक जगह खड़े नहीं होना, बैठ के या खड़े होकर मूवमेंट करनी है और साथ में चीज़ें उठानी है। तो ये भी यार प्रो प्लेयर के ये प्रो टिप है, प्रो प्लेयर जो भी होते हैं ना इसी तरह करते हैं। तो आपने एक जगह खड़े होकर लूट बिल्कुल भी नहीं करनी, मूवमेंट करनी है और साथ साथ लूट करनी। तो यार तीसरे नंबर पर जो आ जाती है चीज़ वो है गन स्विच एंड फायर एंड रन। तो यार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, लेकिन यकीन मानो अगर आपको ये करना आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल गेम प्ले होने वाला है आप लोगों का। एक दफ़ा फायर करना है रन करना है, फायर करना है रन करना है, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, जितनी प्रैक्टिस हो सके करनी है। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलें, प्रैक्टिस में जाएं, इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सोलो वर्सेस स्क्वाड में ये करना है, जब आपके सामने बंदे हो तो यार आपने फायर करना है रन करना है, फायर करना है रन करना है, और रन करते हुए यार आपने इस चीज़ का ख्याल करना है आपने ज़िगज़ैग रन करना है, स्ट्रेट रन नहीं करना, ज़िगज़ैग रन करना है, फायर करना है रन करना है, फायर करना है रन करना है, एक जगह पर खड़े नहीं होना। मर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नो प्रॉब्लम, आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़रूर मूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट आएगी, एक दो मैच, 10 मैच 20 मैच, उसके बाद आप लोग इंशाल्लाह पूरे स्क्वाड को वाइप करेंगे। तो ये आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी, ट्रेनिंग मोड में चले जाएँ या वैसे सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाएँ, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। तो यार चौथे नंबर पे जो स्टेप आ जाता है वो है चेंज योर पोजीशन। तो गाइस जब भी आपने यार किसी बंदे पे फायर करना है या किसी से फाइट लेनी है तो एक जगह खड़े बिल्कुल भी नहीं होना, इस चीज़ को यार पल्ले बांध लो। आपने नॉर्मल गेम प्ले में भी जब भी किसी बंदे से फायर लेनी है एक जगह पे खड़े नहीं होना, जब बंदा आप पे रश करेगा फायर करना है रन करना है और एक जगह पे खड़े बिल्कुल भी नहीं होना। लेट्स सपोज स्क्वाड आप पे रश कर रहा है, आपके पास ग्लू वॉल्स हैं, आपने ग्लू लगा के एक ही जगह खड़े होकर बंदे पे फायर नहीं करना, फायर करना है तीन चार फायर करने हैं, एक करना है, एक फायर करके साइड पे रन वाले बटन पे क्लिक करके साइड पे होकर फिर जाके उधर रश कर मतलब फायर करना है, फिर दूसरी साइड पे जाके एक जगह खड़े होकर फायर नहीं करी जाना, ठीक है। इस बात को पल्ले बांध लो। और जो मतलब निचोड़ है यार पूरी बात का आपको बता दूं, जब भी फाइट लेनी है यार सोलो वर्सेस स्क्वाड आपने खेलना है, प्रैक्टिस करनी है और रश करना है तो एक जगह खड़े होके नहीं करना, बस यार पूरी बात का निचोड़ यही है। आपने पूरे गेम प्ले में एक जगह पे खड़े नहीं होना, बड़ी ही मजबूरी हो आप समझते हैं कि यार अगर इधर भागा तो मरूंगा, वहाँ आपने खड़े होना है, उसके अलावा आपने पूरे गेम प्ले में यार खड़े होकर नहीं खेलना। नॉर्मल भी रन करते हुए आपने छलांगे लगाते जाना है, ठीक है, खड़े नहीं पूरी गेम प्ले में होना, इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी आपकी मूवमेंट। तो बस यार आज की वीडियो यही है, तो आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार लाइक लाजमी से कर देना, बिल्कुल फ्री होता है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, अगर लाइक और व्यूज़ ना आए यकीन मानो मैं बयान ही कर सकता, लेकिन लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो और चैनल को यार लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।